तो सबसे पहले हम फुल फेस करने जा रहे हैं, तो ऊपर जगह छोड़ दीजिए, ठीक है? ऊपर यहाँ पे जगह छोड़ लीजिए। हमेशा जब भी आप पोर्ट्रेट शुरू करो तो बैकग्राउंड में पहले थोड़ी सी जगह छोड़ो, जो भी तस्वीर हो वो खुली खुली सी बननी चाहिए, ठीक है? ये देखिए, ऊपर जगह छोड़ेंगे पहले थोड़ी सी। उसके बाद आपको क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है कि फेस कितने साइड का रखना है। सिर्फ फेस ही बड़ा रखना है, शोल्डर भी होनी चाहिए। ये सब डिसाइड करके मैम फिर आवाज बहुत कम आ रही है। ठीक साइड पे कितनी जगह छोड़नी है आपने, ठीक है? ये सब चीजें पहले आप सोच लोगे। अभी भी कम है, बाकी सबको भी कम आ रही है क्या? सरस्वती आपको कम आ रही है मैडम, आवाज? इतनी देर नहीं, घाघरो आज ठीक आ रही है? हाँ अभी ठीक है। तो मतलब इतनी आवाज ठीक है जी, रोज इतनी देर घाघरो? पहले बैकग्राउंड छोड़ेंगे, फिर आएगा आपका हेड, हेयर है कि कैप ले रखी है कि दुपट्टा है, वो सब चीजें डिसाइड करके फिर उसके नीचे फोरहेड आएगा। फोरहेड के बाद यहाँ पे आपकी आईज आए, तो आप देखो कि कितनी जगह छोड़ के फिर आपकी आईज आ रही है, ठीक है? तो जब भी आप पोर्ट्रेट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि आपकी आईज किस जगह पे आ रही है, ठीक है? बात समझ रहे हो मेरी? जी मैम, पूनम, बात समझ में आई है? यस मैम। आपको पहले ही, वापस रिपीट? हेलो, नहीं कौन है? समझ, नहीं समझ में आया मुझे मैम। नहीं आया? फिर से क्लियर करती हूँ, क्लियर करती हूँ। देखो, इस तरह बताती हूँ। एक फेस ले रहे हो आप, ये इतने साइज का ना, ये आपने डिसाइड कर लिया कि इतने साइज का मेरा फेस होना चाहिए। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि कितना हिस्सा ऊपर हेड का, फोरहेड का आ जाएगा, और आईज कहाँ पे आएंगी, चिन कहाँ पे आएगी, ठीक है? ये सब चीजें आपको पहले ही पता होनी चाहिए, ठीक है? वो आज पहले एक पोर्ट्रेट कर लोगे तो अंदाजा हो जाएगा आपको, ठीक है? तो धीरे धीरे चलेंगे। अगर नहीं भी कंप्लीट हुआ इस क्लास में तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसको कंप्लीट, ठीक है? सरस्वती, अभी समझ में आया डियर आपको? हाँ जी मैम। तो पहले ही एक अंदाजा होना चाहिए, आपकी आंखें वो सब मेजर कर लें कि कहाँ पे आ रहा है फेस आपका, है ना? अगर मान लो कि मेरा फेस ऐसे शेप में है, फ्रंट है, पूरा फ्रंट है यहाँ से, तो मुझे पता ही होना चाहिए ना कि चिन यहाँ पे आएगी तो लिप्स यहाँ पे आएंगे, नोज यहाँ पे आएगा तो आईज यहाँ पे आएंगे, तो ऊपर इतना छोड़ के यहाँ पे फोरहेड आएगा। तो ये अंदाजा आपकी आंखों को पहले ही लग जाना चाहिए, ये कह रही हूँ। अभी समझ में आया? तो ये आपको पहले ही अंदाजा होना चाहिए कि आपका जो फेस है वो कितना रहेगा, ठीक है? और कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, ये कह रही हूँ। एक रफ सा आइडिया आपके माइंड में पहले ही होना चाहिए, ठीक है? तो ये सब मेजरमेंट कैसे निकालोगे वही बताने वाली हूँ आज। तो आपने लास्ट क्या दिया था, टू आईज विद नोज, साइड फोर किया था, है ना? उससे पहले हमने क्या किया था? हेलो, ओपन माउथ किया था, ओपन माउथ किया था टीथ के साथ। उसके पहले हमने किया था टू आईज विद नोज फ्रंट पोज। जी हाँ, तो फ्रंट पोज में हमने क्या किया था कि टू आईज पहले ड्रॉ की थी, फिर हमने नोज की लेंथ निकाली थी, ऐसे ही हुआ था? जी हेलो, हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही बात। ओके। सरस्वती, आपको याद है? ओके, हाँ जी मैम, याद है। जी तो वैसे ही शुरू करेंगे।
अंदाजा यहां से शुरू करेंगे हम, ठीक है, नीचे से यहां से ऊपर, क्योंकि हमारा फोरहेड भी आएगा, हेड भी आएगा, और बैकग्राउंड भी छोड़नी है, तो मैं यहां से ले रही हूँ, एक आई अंदाजा ले रही हूँ यहां से, कि आई मेरी यहाँ पे आएंगी, तो मैंने ये आई की लाइन ड्रॉ की है अभी, तो मुझे साइड पे जगह छोड़नी है यहाँ पे, कि यहाँ फेस थोड़ा खुला खुला लगे, ठीक है, साइड पे, तो क्योंकि ये फ्रंट है तो मैं सेंटर यहां से ले रही हूँ। ये नोज की लाइन है, और नोज की ही नहीं, ये पूरे फेस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है पूनम, जी सरस्वती? सर, तो हुआ क्या कि ये आई है, ऐसे अंदाजा लगाइए, और ये नोज की है, जिससे हमने सेंटर की लाइन, जिससे हमने फेस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमने आई कितनी लेनी है ये आप डिसाइड कर लो, आपके फेस के हिसाब से, आपके पास कितनी जगह है। तो अगर मान लो आई ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैं हाफ हाफ इंच इधर छोड़ दूंगी, ठीक है, ये हमने किया ही हुआ है। और यहीं से मैं दूसरी बहुत डिस्टरबेंस हो रही है सरस्वती, आपके वहां से हो रही है क्या? ओके मेरा ऑफ किया हुआ है। हाँ ओके, तो प्लीज बाकी सब म्यूट कर दीजिए। तो ये हमने आई के लिए निशान लगा लिए हैं, यहाँ पे हम आई ड्रॉ करेंगे, ठीक है? हम मेल फेस कर रहे हैं, बॉय का फेस कर रहे हैं, तो उनकी आई जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं होती, और अपर आईलिड भी बहुत बड़े नहीं होते, और आईब्रो के ऊपर वाला जो सॉरी नीचे जो मसल होता है वो भी इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है? लेंथ सेम रहेगी, जब फ्रंट आईज होती है तो लेंथ भी सेम रहती है और विड्थ भी सेम रहती है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। सरस्वती, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है आई ड्रॉ करने में, तो एक आइडिया और दे देती हूँ, इधर देखिए जरा, पहले हाँ जी मैम, एक ऐसे ट्राइंगल लगाइए, ठीक है, ये ट्राइंगल लग गया, फिर ये लाइन ऊपर की तरफ, और सिर्फ आपको मिडल और बैक लाइन ड्रॉ करनी है, बात समझ में आ रही है? हाँ ऐसे ही जी मैम, आई आप ड्रॉ करोगे, जहां तक भी वो है ट्राइंगल, एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करोगे ट्राइंगल, ये बैक, और बस ये हो गई आपके, ठीक है, समझ में आया? ये वाली आई मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए, सरस्वती ध्यान से देखिएगा, ये लाइन ड्रॉ की, ये ट्राइंगल है, इसमें सिर्फ मिडल टोन, मिडल लाइन और ये लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, फिर यहां से थोड़ा राउंड शेप दे दोगे, ठीक
तो बॉयज के ज्यादा बड़े नहीं होते अपर आइलैंड। और ये मसल भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हल्का एक राउंड शेप आती है। इस तरफ वाला भी अपर आइलैंड बहुत बड़ा नहीं होगा, ठीक है, इतना सही बस। और ये मसल भी बस ऐसे ही रहेगा, इतना सही। मैं सारा पोर्ट्रेट लाइंस में ड्रॉ करूंगी, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। हेलो प्रियंका, प्रियंका हेलो। बीच में चली जाती है। वो उनका नेटवर्क का इश्यू रहता है शायद। नहीं, हमारे नेट सही है। अब पहले अब स्टिल हो गया था, फिर अब आइए। आप कर रहे हैं साथ में प्रियंका, ये सिर्फ देखोगे? ओके, तो टू आईज विथ नोज जैसे मैंने कहा था, आप वैसे ही कर लीजिए ड्रॉ, ठीक है। अभी हमने नोज नहीं किया, सिर्फ आईज ही है। ये ध्यान रखिएगा प्लीज, सब सुनिए ध्यान से। जब हाईलाइट बिल्कुल प्यूपल के ऊपर होती है तो यहाँ पे काफी डार्क सा होता है बिल्कुल लाइट के पास, ठीक है। और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा लाइट हो जाता है साइड से। बात क्लियर है? मैम एक बार और समझा दीजिए प्लीज।
जब ऐसे हाईलाइट जो है वो पीपल के ऊपर आ रही है तो बिल्कुल साथ में जो पीपल है वो बहुत डार्क दिखेगा, ठीक है, यहाँ से, और फिर धीरे धीरे साइड से जो है वो थोड़ा लाइट दिखेगा। अभी क्लियर हुआ? ओके मैम। इनके आईलैशेस बहुत बड़े नहीं होंगे, ठीक है। इतना हो जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है। यहां से हमारा वो आएगा, वूमर, ठीक है, यहाँ पे वूमर आएगी।
सरस्वती चेक करवा दीजिए डियर। हेलो, हेलो, हाँ आफ्टर 10 मिनट्स सब रीजॉइन करोगे। प्रियंका डियर, मैंने बोला कि जो ये बॉय की आई होती है ना, इनके अपर आईलिड भी इतने बड़े नहीं होते और ये भी ज्यादा बड़े नहीं होंगे, ठीक है? तो फास्ट फास्ट मत कीजिए, थोड़ा धीरे धीरे कीजिए, एक एक चीज देखते हुए, ठीक है? देखिए, ये बिल्कुल पास में ही होते हैं, यहाँ से गर्ल्स के होते हैं, ये काफी बड़े होते हैं, ठीक है? अब ये वाला मसल जो होता है बॉयज का इतना नहीं होगा, वो यहाँ से ही बस नीचे से ही है। चलो मैं थोड़ी देर करती हूँ। हाँ जी पूनम, पूनम यस मैम, अच्छा हुआ है, लेकिन वो थोड़ी सी गड़बड़ ये हुई है कि ये देखो, ये साइड ना ये बड़ी हो गई। ये मैम मेरा हमेशा ही बड़ा हो रहा है ना, आंखें मेरी बहुत ज्यादा ही मतलब मोटी मोटी हो रही हैं। हाँ ये हो जाता है कि ये पास में आ जाता है इसके टियर ग्लैंड के, और ये साइड जो है वो बड़ी हो जाती है, ये हो अच्छा, रहा सेंटर में आना चाहिए बिल्कुल ना। फ्रंट है ना, तो ओके देख भी वो सामने रहा है इसलिए, मैम। ठीक है? सरस्वती यस प्लीज चेक करवा दीजिए।
ये आरती के नाम से किसने ज्वाइन किया है? किसने ज्वाइन किया आरती के नाम से? हेलो हेलो, किसने ज्वाइन किया भाई? तो आगे चले, इतना हो गया तो यस मैम। तो टू आईज जितना गैप, क्योंकि हमने जितनी एक आई है उतना ही गैप लिया है, उतनी ही दूसरी आई है हमारी। तो यहाँ से इसके टियर ग्लैंड से लेके ये फुल आई मींस कि टू आई जितना गैप हम लेके यहाँ से, ठीक है? फिर से बोल रही हूँ, आईब्रो के नीचे से आप ऐसे मेजर करोगे, फिर से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए सब, ठीक है? और यहाँ से आईब्रो के नीचे से जितना भी आता है, ये टू आईज जितना आईब्रो के नीचे से यहाँ तक हमारा लेंथ आएगी नोज की, ठीक है? नोज की लेंथ आएगी हमारी। तो अब लेंथ तो आ गई, विड्थ कितनी होगी? मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ये नोज की लाइन है, बहुत लाइट सी आप भी ड्रॉ कीजिएगा। अब नोज की लेंथ तो आ गई, विड्थ कितनी होनी चाहिए कि नोज बड़ा कितना होगा इधर से? तो दोनों टियर ब्लाइंड से आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे ऐसे नीचे की तरफ, तो ये हमारे नोज की विड्थ आ गई। पहले हमने लेंथ ली है ऐसे, ठीक है? अभी हमने विड्थ ली नोज की, क्लियर है? सरस्वती आपको क्लियर है डियर? मैम आई लेंथ जो मतलब आई की जो विड्थ आप बता, लेंथ बता रहे हैं, सॉरी, वो एक बार प्लीज और रिपीट कर दीजिए। ये देखिए, ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। मैम सारे पोर्ट्रेट्स में ऐसे ही लेंथ निकालते हैं नोज़ की? सेम 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 ऐसे ही, यही मेजरमेंट ले लेंगे। अच्छा ठीक है मैम, पोज है अगर फ्रंट पोज है सेम मेजरमेंट के साथ, फिर फर्क कहाँ पे आएगा? किसी की आई छोटी किसी की बड़ी, ठीक है? नोज़ बड़ी, की शेप थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है? ये है, ये है, ओके मैम, ओके मैम। तो यहाँ तक आपका नोज है, ध्यान से देखिए ये शेप है,
हाँ।